नमस्कार, आज हम यहाँ पर प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम या पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम है सुनीति सनवाल और मैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। एक मिनट प्रोफेसर सनवाल, आपने अपना नाम जैसे बोला तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को ये पता चले कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा है क्या, तो हम यहीं से क्यों ना एक गतिविधि करें। तो आप बताएं कि सुनीति में आपके नाम में शुरू की ध्वनि क्या है और उससे दो शब्द बनाएं। मेरा नाम है सुनीति, मेरे नाम की पहली ध्वनि है स, और स से शब्द होते हैं सेब, बिल्कुल सही, संतरा। वेरी गुड। अब मैं चाहूँगी प्रोफेसर पद्मा अपना नाम बताएं और यही क्रिया आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मेरा नाम है पद्मा यादव, मैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे नाम की प्रथम ध्वनि है प, और प से होता है पपीता, पायल, पेड़, पत्ता। वेरी गुड, मेरे साथियों ने तो बहुत बखूबी ये गतिविधि करी। अब मेरी बारी है तो मैं अपना परिचय देती हूँ और एक गतिविधि करती हूँ। मेरा नाम रोमिला सोनी और मैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT में कार्यरत हूँ। मेरा नाम रोमिला है और मेरे नाम के शुरू में र की ध्वनि आती है, जैसे र से रोटी, र से रस्सी और बहुत अधिक शब्द होते हैं, बट ये एक झलक थी आपको एक गतिविधि दिखाने की। अब मैं प्रोफेसर सनवाल से चाहूँगी कि वो आगे का कार्यक्रम जारी रखें। ज़रूर, तो ये एक आपको एक झलक मिली कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम होता कैसा है। तो हम जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं या जब लोगों से मिलते हैं तो लोग, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं प्री स्कूल एजुकेशन से संबंधित। वो जानना चाहते हैं कि किस उम्र में बच्चा स्कूल जाए, स्कूल में क्या पढ़े, स्कूल कैसा हो, माँ बाप उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। तो इन्हीं विषय पे हम खुलकर इस आज के चर्चा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूँगी प्रोफेसर पद्मा यादव से कि वो बताएं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आखिर है क्या। जी बहुत अच्छा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 साल के बच्चों को दी जाने वाली शाला पूर्व शिक्षा व्यवस्था है, जो खेल खेल में और क्रिया के माध्यम से बच्चों को दी जाती है ताकि बच्चे पढ़ने लिखने और गणित की तैयारी के लिए तैयार हो जाएं। एक तरह का ये तत्परता कार्यक्रम है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा हमारे देश में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा ICDS सेंटर्स में इसे आंगनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे NGOs में पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालवाड़ी के नाम से संचालित होती है, और प्राइवेट स्कूल्स में ये नर्सरी, KG, किंडरगार्टन, तमाम तरह के नॉमनक्लेचर्स से जानी जाती है। गवर्नमेंट संस्थानों में यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन, नर्सरी एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धात्मिक विकास, और बच्चों का भाषाई विकास, सृजनात्मक विकास हो सके। साथ ही बच्चों को पढ़ने लिखने की तैयारी के लिए और प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत सारे लोगों के विचार हैं। कहीं पर ये खेल खेल के माध्यम से, कविता कहानी के माध्यम से दी जाती है, और कहीं कहीं पर यह प्राइमरी एजुकेशन का डाउनवर्ड एक्सटेंशन है। डाउनवर्ड एक्सटेंशन से आपका क्या मतलब है? डाउनवर्ड एक्सटेंशन का मतलब है जो बच्चे को कक्षा 1 या 2 में सिखाया जाना चाहिए, कहीं कहीं पर वह पूर्व प्राथमिक शालाओं में ही सिखाना शुरू किया जाता है। कुछ लोग ABCD, क ख ग घ, 1 2 3, इसी पर फोकस रखते हैं। जिस उम्र में बच्चे को खेल खेल के, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सीखना चाहिए और बच्चे को सर्वांगीण विकास के अवसर मिलना चाहिए, वहीं पर ज़्यादातर स्कूलों का फोकस ये रहता है कि बच्चों को जल्द से जल्द लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, और कॉपियों पर, स्लेट्स पर ABCD बार बार लिखाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके कहने का मतलब है कि डाउनवर्ड एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। तो डाउनवर्ड एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इतनी
महत्वपूर्ण है कि इसके अवसर अगर बच्चे को सही उम्र में प्राप्त हों तो बच्चा खेल खेल में खुशी खुशी पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो सकता है। मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है और विदेशों में भी जो रिसर्च हुई है जैसे हार्वर्ड सेंटर, वो क्या कहता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में। ज़रूर, जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत क्रिटिकल पीरियड है, शुरू के जो 5 वर्ष हैं बच्चे के, ये छः वर्ष जो है बच्चे के, ये बहुत क्रिटिकल है। और यहाँ पे हम जितने भी नए रिसर्च हुए उससे हमें पता चलता है कि बच्चे का 90% ब्रेन डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास ये 6 सालों में, प्रारंभिक 6 सालों में पूर्ण हो जाता है। तो जिस तरह से हम एक मकान बनाते हैं और सबसे ज़्यादा उसमें मकान की अहमियत होती है उसकी नींव कि अगर नींव मजबूत है तो हम ये मानते हैं कि जो इमारत बनेगी वो भी मजबूत होगी। उसी तरह से जो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, ये बच्चे के शिक्षा की नींव है, तो ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम समझें कि मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। हमारे मस्तिष्क में है हज़ारों, बच्चा जब पैदा होता है तो हज़ारों मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बच्चे के मस्तिष्क में होते हैं। तो बच्चे को सीखने के लिए ज़रूरी है कि वो न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कनेक्शंस बनाएं। और वो कनेक्शंस बच्चा कैसे बनाता है, जब बच्चे को खेलने के अवसर, एक्सप्लोरेशन के अवसर, बहुत सारे प्रश्न पूछने के अवसर मिले और कोई अडल्ट, भले ही टीचर, भले ही पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, कोई ऐसा बच्चे के वातावरण में हो जो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दे, उसकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करे। तो इसी तरह से ये न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं ये परमानेंट होते हैं और ये आगे की जो पूरी शिक्षा बच्चा अपने जीवन में हासिल करेगा उसकी नींव होती है। तो इसको, ये न्यूरल कनेक्शंस जो है ये शुरू के 6 वर्षों में बनने लगते हैं। आइए हार्वर्ड सेंटर ऑफ डेवलपिंग चाइल्ड की एक वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से हम इस बात को और अच्छी तरह से समझें। A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. आपने जिस तरह से इस वीडियो क्लिपिंग में देखा कि मस्तिष्क के विकास के लिए ये प्रारंभिक 6 वर्ष कितने ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ जो उनके बच्चे के चारों तरफ जो अडल्ट हैं उनको एक रेस्पॉन्सिव केयर गिविंग की ज़रूरत है कि वो बच्चे से लगातार इंटरेक्ट करें, बच्चे को बहुत मोटिवेशन दें, कॉन्फिडेंस दें और उसके सारे सवालों के जवाब दें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, टारगेट 4.2 में फोकस किया है कि हर बच्चा, कैसा भी, भले ही वो बच्चा डिसेबल्ड हो या उसकी कुछ विशेष आवश्यकता हो, हर बच्चे को
एक क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, तभी बच्चा आगे की शिक्षा व्यवस्था में अच्छी तरह से सफल हो पाएगा। तो ये हमारे लिए रेट ऑफ रिटर्न्स अगर हम देखें तो बच्चे को अगर अच्छी प्री स्कूल एजुकेशन मिली है तो बच्चा जो है उसके एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कि वो बच्चा अच्छा करते हैं, उनका आपस में संबंध अच्छा होता है, तो बहुत तरह से क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन बच्चे और मेरे को फायदा से हायर एजुकेशन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये हमको बहुत सारे जो रिसर्च हुए हैं फील्ड में उन रिसर्च से हमको पता चलता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस उम्र में जो शुरुआती 6 साल 8 साल बच्चे के हैं उन वर्षों में बच्चों को एक ऐसा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए जिसमें बच्चे को अच्छे से पढ़ने बढ़ने के अवसर मिलें। माता पिता ये ध्यान रखें कि बच्चों को अच्छा आहार दें, अच्छा न्यूट्रिशन बच्चों को मिले, इम्यूनाइजेशन समय पर बच्चों का टीकाकरण हो, साथ ही बच्चों के साथ माता पिता क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है प्री स्कूल एजुकेशन में। ज़रूर, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि प्री स्कूल एजुकेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है, तो हम समझें कि प्री स्कूल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या पढ़ाना चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि अगर आप इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालें कि आखिर क्या होना चाहिए प्री स्कूल एजुकेशन में। धन्यवाद प्रोफेसर सानवाल। यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू करूँगी, जो प्रोफेसर सानवाल ने कहा कि जो ब्रेन के कनेक्शंस होते हैं वो पहले 6 वर्षों में स्ट्रांग होते हैं, तो जो प्ले वे एक्टिविटीज़ होती हैं एक्चुअल में जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो प्ले वे मेथड और एज एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। तो जितना बच्चे को क्वालिटी प्ले एक्सपीरियंसेस पहले 6 से 8 वर्षों में मिलता है उतने ये ब्रेन के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और ये कनेक्शंस डिसाइड करते हैं कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसा महसूस करता है और आगे चलकर कैसा सीखता है। तो जैसे कि प्रोफेसर सानवाल ने मुझसे अनुरोध किया कि प्री स्कूल एजुकेशन आखिर कैसे प्रदान किया जाना चाहिए। प्री स्कूल एजुकेशन जैसे कि मैंने कहा कि खेल प्रधान शिक्षा है और विकास और आयु अनुरूप गतिविधियाँ इसका मुख्य रूप से जिसको हम कहते हैं मुख्य पेडागॉजी एंड प्रैक्टिसेस है। तो ये प्ले वे मेथड उदाहरण के तौर पे बहुत फेमस है कि कहानियों के माध्यम से स्टोरी टेलिंग, एक्शन सॉन्ग्स, राइम्स, छोटी छोटी पहेलियाँ बूझना जिसको हम सॉल्विंग सिंपल रिडल्स बोलते हैं, कंप्लीटिंग द पजल्स और बहुत सारे बच्चे की आयु और विकास अनुरूपी भाषाई खेल और बौद्धिक खेल ये कराते हैं। तो अगर हम एक छोटी सी गतिविधि करें तो मैं प्रोफेसर सानवाल से चाहूँगी कि एक इमर्जेंट लिटरेसी की फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की एक लयात्मक शब्द की एक एक्टिविटी करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। अच्छा ठीक है, तो हमने जैसे कोई भी एक शब्द चुना, जैसे मैंने कहा लकड़ी और मैं कहूँ कि आप इससे राइमिंग एक वर्ड हमें बताएं, तो लकड़ी मकड़ी ककड़ी और अब मैं इसको दोहराऊंगी लकड़ी मकड़ी ककड़ी और इसी गतिविधि को हम एक राइम या एक सॉन्ग के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों के साथ मिलकर कविता का सृजन भी कर सकते हैं और बच्चे पीछे पीछे गा भी सकते हैं। तो जैसे हमने बोला हमने 3 चीज़ें देखी बाबा 3 चीज़ें देखी बाग में थी एक लकड़ी, लकड़ी पर बैठी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी, लकड़ी मकड़ी ककड़ी। तो इसी तरह से बच्चों को छोटे समूह में आप कुछ शब्द देते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो छोटी छोटी कविताएं बनाएं और हिंट देने के लिए टीचर उनको उत्साहित करती है और उनके जहां भी बच्चे अटके वहां बच्चों को मदद करती है कि बच्चे उस कविता को आगे बढ़ाएं। तो इससे बच्चों की पढ़ाई की तरफ रुचि बढ़ती है और वो स्कूल आना भी पसंद करते हैं जितना हम उनको खेल प्रधान प्रक्रिया से सिखाएं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी जैसे स्टोरी टेलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रुचिकर क्रिया है जिसे मेरे ख्याल से छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि एक स्टोरी टेलिंग की क्लिपिंग दिखाएं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर टीचर को स्टोरी टेलिंग कैसे करानी चाहिए, बच्चे कैसे बैठने चाहिए, छोटे बच्चे आगे लंबे बच्चे पीछे
कहानी की किताब का उपयोग कैसा करना चाहिए, तो एक क्लिपिंग दिखाएं। तो जैसा कि आपने देखा कि स्टोरी टेलिंग में शिक्षिका एक किताब के माध्यम से बच्चों को कहानी सिखा रही थी, तो कहने को ये खाली स्टोरी टेलिंग है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये स्टोरी टेलिंग ही तो है, इसमें क्या खास बात है। तो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों का रुझान, मोटिवेशन और डिज़ायर पढ़ाई की तरफ होता है, तो ये एक शुरुआत है। उदाहरण के तौर पर स्टोरी टेलिंग बच्चों में सर्वांगीण विकास करती है, जैसे कि प्रोफेसर पद्मा ने बताया कि बच्चों का सर्वांगीण विकास बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे होता है? जब बच्चे मिलजुल कर एक समूह में शिक्षिका से या किसी एडल्ट से कहानी सुनते हैं तो बच्चों का अटेंशन स्पैन बढ़ता है। किसी भी गतिविधि के लिए 10 से 15 मिनट स्थिर होकर बैठना और शिक्षिका या एडल्ट को सुनना अपने आप में एक गतिविधि है, और एक ये अर्ली लर्निंग आउटकम कहते हैं। बच्चे समूह में मिलजुल कर काम करना, बैठना सीखते हैं। जब शिक्षिका कहानी की किताब पर प्रिंट पर बाएं से दाएं की तरफ उंगली फिराती है या ऊपर से नीचे तक प्रिंट पर उंगली घुमाती है, तो बच्चों को ये समझ में आता है कि दैट प्रिंट हैज़ सम मीनिंग, राइटिंग हैज़ सम मीनिंग, राइटिंग कुछ कह रही है। इसी तरह से बच्चे शिक्षिका को सुनने के लिए तत्पर होते हैं। कहानी में बीच बीच में शिक्षिका जब प्रश्न पूछती है तो बच्चे, ये पता चलता है कि बच्चे कितनी तल्लीनता से शिक्षिका को सुन रहे हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही प्रश्न करते हैं। तो दे लर्न टू आस्क क्वेश्चंस एंड एज वेल एज आंसर द क्वेश्चन। सिमिलरली धीरे धीरे बच्चे कहानी को प्रिडिक्ट करना सीखते हैं कि अब कहानी में आगे क्या होगा। तो प्रिडिक्शन भी अपने आप में एक स्किल है जो आगे चलकर बच्चों को बहुत मदद करती है। इसी तरह से कहानी बच्चों को एक्सटेंशन ऑफ इमेजिनेशन सिखाती है, थिंकिंग स्किल सिखाती है। कहानी ख़त्म हो जाने के बाद शिक्षिका बच्चों से कहानी के कार्ड्स को क्रम में अरेंज करने के लिए बोल सकती है। तो लिटरेसी के साथ साथ बच्चों को न्यूमरेसी भी आती है कि कहानी के कार्डों को बाएं से दाएं के क्रम में अरेंज करना है। इसी तरह से पजल्स को कंप्लीट करना, किसी भी कहानी में मान लीजिए कहानी एक जानवरों पर आधारित कहानी है, तो जानवरों पर आधारित कहानी उसमें एक हाथी का चित्र है, तो हाथी के चित्र चार टुकड़ों में बटे हैं, तो उनको कंप्लीट करना, तो सॉल्विंग द पजल्स एंड कंप्लीटिंग द पजल इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी विच इज बेसिकली अ कॉग्निटिव स्किल एंड दैट हेल्प्स फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये एक इसी तरह हम देखते हैं कि कहानी कहना, कहानी सुनाना, रीड अलाउड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर इन्हांसिंग एमर्जेंट लिटरेसी। So, ये एक जी। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कहानी का कितना बड़ा महत्व है, और आपने एक और बात कही थी कि खेल बहुत ज़रूरी है जी। और हमको लगता है कि खेल मतलब सारा दिन तो खेलता रहता है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खेल कैसा हो और कैसे फ़ायदा करता है प्री स्कूल बच्चों को। तो मैं एक तो ये हो गया कि खेल के लिए आपको कक्षा का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन।
तो खेल, जैसे कि प्रोफेसर सानवाल ने बोला कि बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि खेल में कौन सी बड़ी बात है, खेल से बच्चा क्या सीख रहा है, तो खेल से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, जैसे कि मैंने एक स्टोरी टेलिंग का उदाहरण भी दिया। और खेल एक प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ है, इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़। तो खेल के माध्यम से बच्चा करके सीखता है, बच्चा मटेरियल को एक्सप्लोर करता है, मटेरियल ऑब्जर्व करता है, मटेरियल से इंटरैक्ट करता है, और एक ये खेल एक सशक्त और नेचुरल माध्यम है बच्चे के सीखने का। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कक्षा का आयोजन जब हम करें, जो हम खेल के क्षेत्र बनाएं, जिसको हम बहुत पॉपुलरली एक्टिविटी एरियाज़ भी बोलते हैं, तो ये एक्टिविटी एरियाज़ जैसे डॉल्स एरिया, ड्रामेटिक एरिया, रीडिंग एरिया, रीडिंग एरिया को कई लोग एक मिनी लाइब्रेरी भी बोलते हैं जो कक्षा में ही होती है, और डिस्कवरी एरिया जिसको हम अर्ली साइंस एरिया बोलते हैं, मैथ्स एंड मैनिपुलेटिव एरिया, ब्लॉक बिल्डिंग एरिया जिसको पॉपुलरली कंस्ट्रक्शन एरिया भी बोलते हैं। तो ये एक बच्चों की खेल के क्षेत्र हो गए जिसको एक्टिविटी एरियाज के नाम से बोलते हैं। जैसा कि मैडम ने बोला कि कक्षा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो, तो ये एक खेल के क्षेत्र कक्षा में शिक्षिका बनाती है। बट यहाँ पर एक दुविधा है कि कई प्री स्कूल टीचर्स ये पूछते हैं कि हमारी कक्षा में तो इतनी जगह नहीं है कि हम इतने इंटरेस्ट एरियाज या एक्टिविटी एरियाज बना दें। तो टीचर्स, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर जगह कम है तो आप दो एक्टिविटी एरियाज बनाइए, 15 दिन के बाद दो और ऐड कर दीजिए, या रोटेशन में बनाएं। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने बच्चों की नीड के अनुसार आप एक्टिविटी एरियाज बनाएं। बट यहाँ पर एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कक्षा का वातावरण प्रिंट रिच और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर प्रिंट हो और बच्चों की आई लेवल पे डिस्प्ले हो। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचाई पे लगा दिया और बच्चे उस प्रिंट को देख नहीं पा रहे। और खाली प्रिंट लगाना आवश्यक नहीं है, बच्चों का ध्यान प्रिंट की तरफ जरूर आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है। तो इस तरह से बच्चे और टीचर का मॉडलिंग लिटरेट बिहेवियर बहुत बहुत आवश्यक है। तो वो आप अगर थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहें, मॉडलिंग लिटरेट बिहेवियर माने क्या? ओके, मॉडलिंग लिटरेट बिहेवियर, जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो अगर टीचर कुछ लिख रही है तो बच्चों का ध्यान लिखाई की तरफ लगाएं कि देखो बच्चों मैं ये क्या लिख रही हूँ, ये तुम्हारा नाम लिख रही हूँ, और कहीं कोई डिस्प्ले है, कहीं लेबलिंग है, प्रिंट है, तो शिक्षिका बच्चों का ध्यान उधर आकर्षित करे और बोले बच्चों देखो ये कौन सा चित्र है, ये एलिफेंट है, ये क्या लिखा है, दिस इज एन एलिफेंट, ये हाथी है। तो प्रिंट की तरफ ध्यान बच्चों का लगाना बहुत जरूरी है, बहुत, और उसी से धीरे धीरे बच्चे अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे कि ये कुछ अक्षर है, कुछ सिंबल है जिससे कुछ मीनिंग है, और इससे पता चलता है। कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए खेलना ही सीखना है। हाँ। वो खेल के माध्यम से ही सीखते हैं,
तो जो भी गतिविधियां अभी आपने चर्चा की हैं, आप देख रहे होंगे कि इसमें बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि बच्चे फ्री प्ले एरिया और आउटडोर प्ले एरिया में खेलते हैं, तो उनके लार्ज मसल डेवलपमेंट होती है, उनकी फाइन मसल डेवलपमेंट होती है, जिससे बच्चों की छोटी मांसपेशियों का जब विकास होता है और आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो लिखना और पढ़ना आसानी से सीख जाते हैं। इसी तरह जब आपने बात की कहानी और कविताओं की और जो एक्टिविटीज़ अभी हमारे यहाँ हुई हैं, उसमें देखने को ये मिलता है कि बच्चे का भाषा का विकास बहुत तीव्रता से होता है, उसकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट होती है, और वो जब शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका शब्द भंडार निखर कर आता है, क्योंकि उसको अवसर मिलते हैं अनेकों अनेक शब्द सुनने के, बोलने के। जब हम ये सब क्रियाएं करा रहे होते हैं तो एक असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे जाने कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो क्या कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें पता चल जाए आसानी से कि हाँ बच्चा सीख रहा है? बिल्कुल सही बोला। ऐसा नहीं है कि असेसमेंट से, कई बार लोग घबरा जाते हैं कि असेसमेंट कोई पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं है, तो ये खेल के माध्यम से ही होता है। जब बच्चे कर रहे होते हैं तो बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए हम देखते हैं बच्चे कैसे खेल रहे हैं, बच्चे कैसे बोल रहे हैं, बच्चे कैसे क्रेयॉन्स पकड़ रहे हैं, तो खेल खेल में ही हम जानते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। इसमें एक बात और ज़रूरी है, माता पिता का इन्वॉल्वमेंट, माता पिता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसको सुदृढ़ यदि करना है तो माता पिता को भी मालूम होना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है। और ये भी हम अक्सर सुनते हैं कि माता पिता ये मांग करने लगते हैं कि हमारा बच्चा लिखना नहीं सीख रहा है या ABCD पहचानना नहीं सीख रहा है, तो उसने क्या सीखा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है माता पिता को समझना कि ये तो बच्चे को अपने आप, अगर आप खेलने के अवसर देंगे तो ये अपने आप आ ही जाएगा। यस। तो आज हमने जाना कि प्री स्कूल एजुकेशन होती क्या है, वो उसको कैसे दिए जाना चाहिए, और वो क्यों इतनी ज़रूरी है कि बच्चा अपने आगे आने वाले सालों में लगातार उन्नति करे और सफल विद्यार्थी बने। नमस्कार। नमस्कार।